वेलकम टू माई चैनल एसेंस ऑफ हेल्थ। जूस किसे नहीं पसंद, चाहे वो ऑरेंज जूस हो या मैंगो जूस, लेकिन आज हम बात करेंगे ग्रीन जूस के बारे में, जिसे जूस डिटॉक्स, जूस क्लिनजिंग, जूस डाइट और जूस फास्टिंग भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और इसे कैसे किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, मैं हूँ नीलम, हेल्थ एंड फिटनेस कोच, सर्टिफाइड और आयुर्वेदिक डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो जूस डाइट क्यों ज़रूरी है? जूस एक लिक्विड डाइट है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट पे रखता है, और जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट पे होता है तो बॉडी का क्लीनिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ज़्यादातर जूस डाइट फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट से किया जाता है, कई बार हम इसमें नट्स भी ऐड करते हैं। ये कम से कम एक दिन से लेकर के 10 दिन तक की जूस डाइट रेड्यूसेस इन्फ्लामेशन, प्रमोट्स वेट लॉस, इम्प्रूव्स स्लीप एंड क्लियर्स योर स्किन। इट ऑल्सो बूस्ट योर लेवल ऑफ इम्पॉर्टेंट वाइटामिन, एंटी ऑक्सीडेंट, इंक्लूड्स फोलेट, वाइटामिन सी, ई एंड बीटा कैरोटीन। जूस पूरी तरह से प्रोटीन, हेल्दी फैट और वाइटामिन रहित है। जूस मेकिंग प्रोसेस में फाइबर निकल जाता है एज वेस्टेज, और फाइबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी गट बैक्टीरिया के लिए। ये हमारे बॉडी के शुगर लेवल को जल्दी हाई नहीं होने देता और हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। जूस में कैलोरीज बहुत कम होती है, जिसके तौर पे हमें सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सर दर्द, बार बार भूख लगना, चक्कर आना और थकान लगना। जूस डाइट से हमारा रैपिड वेट लॉस होता है और हमारी बॉडी क्लीन होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक हेल्दी तरीका है। आइए जानते हैं इसका हेल्दी अल्टरनेटिव। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सिर्फ जूस बनाने के बजाय आप इसे ब्लेंड करके स्मूदी की तरह इस्तेमाल करें। ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे आपको इसके नेचुरल न्यूट्रिएंट्स और फाइबर का पूरी तरह से बेनिफिट बनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, जैसे कि आपको 80% वेजिटेबल्स और 20% फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो 100% वेजिटेबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 100% फ्रूट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें नेचुरल हाई शुगर होता है। आपको इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप इसे सिर्फ जूस के बजाय एज स्मूदी ज़रूर पिएं। आपको एक दिन में कम से कम 5 से 6 ग्लासेस जूस पीना है, जिसमें एक ग्लास कम से कम 400 to 500 ml का होना चाहिए, और पूरे दिन में आपको कम से कम 1300 से 1400 कैलोरी ज़रूर इंटेक करना है। तो दोस्तों, आप अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं हेल्थ रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करिए। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।